गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग फैक्टर पढ़ रहे थे और इसके पहले मैं फैक्टर बतलाया कि किस फार्मूला पर इस चैप्टर में बनाना है। प्यारे बच्चों, इसमें मात्र एक ही फार्मूला को ज़्यादा यूज हम लोग कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कल भी मैंने बतलाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूला पर हम बना रहे हैं। तो देखिए, तो प्यारे बच्चों, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देख रहे हैं ना, इसको हम ये जो दिया हुआ है 108 में से 108 है में से 3 कॉमन ले लेंगे तो 36 हो जाएगा और 36 ए स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं। अरे बच्चों, 3 कॉमन ले लिए तो 36 ए स्क्वायर और 3 चल गया, तो बचा क्या, बी माइनस सी होल स्क्वायर। अभी पूरे को आप लिख सकते हैं, 36 ए स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, 6 ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। तो ये पूरे को ए मानिए और ये पूरे को बी मानिए। प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपका हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। प्यारे बच्चों, ए प्लस बी ई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। प्यारे बच्चों, ये माइनस था ब्रैकेट के पहले, इसलिए अंदर गया तो ये साइन चेंज हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या था, प्लस माइनस था, तो ये साइन चेंज होकर प्लस हो गया क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस था, एनी प्रॉब्लम। तो इस तरह से आपका फैक्टर हो गया 3 इंटू 6 ए प्लस बी माइनस सी इंटू व्हाट, ए 6 ए माइनस बी प्लस सी ए हो गया, है ना। इसको से समझिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक लाइन का हिसाब। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि अच्छा बाकी आप जो है प्यारे बच्चों, आपको बैक में जो है हिंट भी दिया हुआ है, उसको भी यूज करिए, किताब के जो बैक में हिंट देवल है उसको भी आप यूज करिए, सोचिए समझिए बनाइए, नहीं समझ में आता तो फिर हम बताएंगे। देख लीजिए 23 है प्यारे बच्चों, कितना आसान है, देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ए देख रहे ना, अब ये कितना देख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इसको दो भाग में कर देते हैं, एगो के इधर आप माइनस ब्रैकेट लेंगे तो अंदर वाला सब साइन चेंज हो गया, है ना, ए आपका प्लस हो गया माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो अब देख लीजिए, आपको ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। और इसको देखिए, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये पूरे को देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आ गया, आ गया। ये पूरे को ए मान लीजिए, पूरे को बी मान लीजिए, तो आपका क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, क्योंकि माइनस हुआ तो अंदर का चिन्ह चेंज हो गया, अंदर का साइन चेंज हो करके ये माइनस है तो प्लस हो गया, अंडरस्टैंड इजी है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, 24 क्या कहता है, 24 क्या, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 1 माइनस 36, ये कितना है प्यारे बच्चों, 36 वाई स्क्वायर। तो इसको देख लीजिए, ये अभी एक फार्मूला के रूप में है, और देख लीजिए ना, इसको हम ब्रैकेट कर दिए, अलग ब्रैकेट कर दिए, हमको लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पर सज जाएगा, इसको अलग मैंने कर दिया। तो देख लीजिए, इसको 25 है तो
फाइव होल स्क्वायर माइनस टू ए के जगह पर फाइव एक्स और बी के जगह पर वन है ना प्लस बी स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर माइनस सिक्स वाई होल स्क्वायर है ना प्यारे बच्चों। तो ए देख लीजिए इसको छोड़ दे रहा है इसको देखिए तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर हो गया अर्थात व्हाट ए माइनस बी इट मीन्स फाइव एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब ये तो सिक्स होल स्क्वायर आ रहा था 36 था तो कितना सिक्स वाई स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर सिक्स वाई होल स्क्वायर। अभी पूरे को ए पूरे ए है ये पूरे बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर ए टूट रहा है तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ठीक है ना। ये पूरे प्यारे बच्चों ए यहाँ तक ए माइनस बी एक फॉर्मूला पर आ गया बहुत इजी है। अब देख लीजिए 25 कितना इजी 25 है क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि अलग है अलग नहीं है केवल ब्रैकेट मैंने यहाँ कर दिया इसको अलग और इसको मैंने ब्रैकेट किया तो ए साइन चेंज हो जाएगा ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब ये देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर ही है अंदर वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है कि नहीं। जब ए फॉर्मूला पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर यह प्यारे बच्चों है प्रश्न तो क्या हम इसको करेंगे ध्यान दीजिए तो इतना गोट लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा अब ए माइनस बी यहाँ पर भी और ए माइनस बी यहाँ पर भी दोनों में मैं कॉमन ले लिया है ना क्योंकि मैंने लिखा टेक ए माइनस बी कॉमन ए माइनस बी को कॉमन मैंने ले लिया दोनों में शामिल है तो ले सकते ना तो ले लिया तो ए माइनस बी इंटू ये क्या एक में से ले लिए थे मैं कहा कि वन सब में छिपा हुआ रहता है तो ये पूरे कॉमन ले लेते वन समझिए छिपा हुआ तो ये आ गया वन यहाँ एक में वन छिपल था एक में अगर वन इंटू वन कर देते हैं तो मान में कोई परिवर्तन ये आपको समझाने के लिए मुझे करना पड़ रहा है ना कोई चेंज है तो बोल सकते हैं ठीक है वेरी गुड। अच्छा तो ई वन अपना मन से मैंने यहाँ पर लिख दिया मैंने गुना के रूप मल्टीपल के रूप में वन छिपा हुआ रहता है तो ए माइनस बी इसमें से भी ए माइनस बी इसको बाहर निकाल लिया ए माइनस बी को बाहर निकाल लिया तो बचा कितना वन माइनस ई वाला लेकिन ई ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह अंदर वाला चिन्ह परिवर्तन हो गया चेंज हो गया तो क्या हो गया ए माइनस बी यही आपका क्या फैक्टर निकल गया इजी है। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों 27 क्या कहता है 27 कहता है 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर ठीक है कोई दिक्कत नहीं 9 को अलग कर दिया इसको हम मैंने ब्रैकेट में जैसे ब्रैकेट में डाला माइनस ब्रैकेट के पहले माइनस हुआ तो सब अंदर का साइन चेंज हो गया साइन चेंज का मतलब ई प्लस था तो माइनस आई ई माइनस है तो प्लस। अब देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया इक्वल टू क्या इतना इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर हो ए माइनस बी क्या चीज है होल स्क्वायर कर सकते हैं ना इतना बराबर ए माइनस बी होल स्क्वायर है ना आई नाइन को थ्री होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये पूरे को ए माना ये पूरे को बी माना है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्यारे बच्चों ए माइनस बी देख रहे हैं ना ए माइनस बी तो ए देख रहे हैं ये ब्रैकेट था है ना तो ये जैसी हटा तो अंदर का साइन चेंज होकर प्लस हो गया हमेशा इसमें साइन का याद रखिएगा दिक्कत ना हो जाए कंप्लीट है। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 माइनस 36b स्क्वायर तो इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया इसको क्या किया
ब्रैकेट में कर दिया, तो इतना को हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3a² है ना, माइनस प्लस 2a, a के जगह पर 3a डाल देंगे और b के जगह पर 1 डालेंगे, क्योंकि b के जगह पर 1 था ना, तो 1 स्क्वायर कर दिए, अर्थात देख लीजिए a² + 2ab है ना, 2ab अब प्लस, प्यारे बच्चों प्लस व्हाट, b² है कि नहीं, इसको एक फॉर्मूला पर दिखाने के लिए तोड़ दिया है ना, क्या a² + 2ab + b² b के जगह पर 1 है इक्वल टू a + b² है ना, और 36 को कितना कर दे, 6b² अभी पूरे को a मानिए, अभी पूरे को b मानिए, मैंने कहा ना कि पूरे यह चैप्टर a² - b² के फॉर्मूला पर नाच रहा है, पूरे नाच रहा है, तो क्या हो जाएगा a² - b² = a + b (a - b) हो गया प्यारे बच्चों, को फॉर्मूला पर तो a है फैक्टर, हो गया फैक्टर, पूरे फैक्टर क्या हो गया 3a + 1 + 6b, अरे 6b बढ़िया से इसको 6b हो गया ना, और 3a + 1 - 6b, हालांकि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर एक ऐसे भी इसको लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों, 3a + 6b + 1 ऐसे कर दीजिए, और उसी तरह से इसमें भी कर दीजिए 3a - 6b + 1, मैंने कांस्टेंट टर्म को लास्ट में मैंने कर दिया, समझ में आ रहा है, कांस्टेंट टर्म को क्या कर दिया, लास्ट में कर दिया, या ये भी लिख दिए तो गलत आपका नहीं है प्यारे बच्चों, इस तरह से आप पूरे चीज को समझ जाइए है ना, फॉर्मूला पर तोड़ के आप बना दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह से आप इस चैप्टर का पूरे मैथ बना देंगे, थैंक यू।